हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। आई होप आपने लास्ट एपिसोड देखा है, जो था हमारा अबाउट द टर्म्स एंड उसके लास्ट, उससे पहला एपिसोड था हमारा अबाउट द रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड स्ट्रेट वे टू द पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर इमेज इज टू बी डिस्प्लेड। इलेक्ट्रॉन बीम जब एक जगह पर स्ट्रेट वे में पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लगते हैं स्क्रीन पे, ताकि हमें इमेज शो हो सके, उसको हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले बोलते हैं। इट डज नॉट स्कैन द इंटायर स्क्रीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक रास्टर स्कैन। हमने रास्टर स्कैन में किया था कि वो पूरा स्क्रीन को स्कैन करता है, पहले टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। द पिक्चर इज फॉर्म्ड ऑन रैंडम स्कैन सीआरटी बाय ड्रॉइंग अ सेट ऑफ रैंडम स्ट्रेट लाइंस। कुछ रैंडम स्ट्रेट लाइंस बनती हैं एंड मच इन द सेम वे वन माइट मूव अ पेंसिल ओवर अ पीस ऑफ पेपर टू ड्रॉ एन इमेज। तो नॉर्मली किसी भी रैंडम वे में बन जाती हैं, लाइक हम कुछ भी इमेज बना रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले को हम इसी रीज़न की वजह से रैंडम स्कैन डिस्प्ले को हम स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले या फिर वेक्टर डिस्प्ले बोलते हैं या फिर कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं। उसके बाद इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले द पिक्चर इन्फॉर्मेशन और डेफिनेशन फॉर द इमेज टू बी ड्रॉन इज स्टोर्ड इन द मेमरी, जिसको हम रिफ्रेश बफर बोलते हैं। हमने लास्ट कुछ टॉपिक्स में भी रिफ्रेश बफर के बारे में पढ़ा था कि जो इमेज होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी शो सेव होती है एंड कहाँ पे होती है, रिफ्रेश बफर में। और उस रिफ्रेश बफर को हम बोलते हैं डिस्प्ले फाइल या फिर डिस्प्ले लिस्ट या फिर डिस्प्ले प्रोग्राम भी बोलते हैं। एंड इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो हम ड्रॉ करते हैं पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, तो जो इमेज की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइन ड्रॉइंग कमांड्स एंड नॉट एज अ सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर स्क्रीन पोजिशन। तो वो स्क्रीन पोजिशन के अकॉर्डिंग सेट नहीं होगी, वो नंबर ऑफ लाइन्स के कमांड के अकॉर्डिंग हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी। एंड जो डिस्प्ले लिस्ट है या फिर डिस्प्ले प्रोग्राम है वो कंटेन, उसमें क्या होता है कि एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो भी हमने लाइन ड्रॉ की होती है। एंड द वेरियस कंपोनेंट लाइन्स ऑफ पिक्चर कैन बी ड्रॉन एंड रिफ्रेश्ड इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। तो वो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में वहाँ पर रिफ्रेश किया जा सकता है। एंड जो भी ये चीज़ है बहुत ही क्वाइट सिमिलर है टू द वे ऑफ पर्सन ऑन अ प्लॉटर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट व्यूअर इन द पेन कैन बी मूव्ड एंड अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन फॉर द सर्टेन लेंथ एंड देन लिफ्टेड एंड मूव्ड द न्यू डायरेक्शन। जैसे हम पेन के साथ कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो जैसे मर्जी हम उसमें मूव करके अपनी डायरेक्शन किसी भी तरह से उसे बना सकते हैं, तो उसी तरह से ये चीज़ है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो ये बहुत ईजी है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ठीक है, हमने इसमें अभी किया क्या कि रैंडम स्कैन जो डिस्प्ले है वो स्ट्रेट वे है कि हमने वहाँ पे स्क्रीन में इमेज डिस्प्ले करवानी है, इसमें कोई स्कैन नहीं होता जैसे सीआरटी में था, मतलब रैंडम स्कैन डिस्प्ले में था कि जो सीआरटी है वो पूरा स्कैन करती है, पूरा पूरी स्क्रीन को स्कैन करती है पहले टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ ड्रॉ किया जाता है, एक सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होती हैं जैसे भी उसमें पेंसिल के साथ से हम मूव करवा कर पूरे पेज पे कोई इमेज ड्रॉ करवा देते हैं। उस चीज़ को हम इसी वजह से क्योंकि अपने आप जैसे मर्जी किसी भी डायरेक्शन में करवा सकते हैं, उसी वजह से उसका नाम दिया हुआ है स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले या फिर वेक्टर डिस्प्ले या फिर कैलीग्राफिक डिस्प्ले। तो जो हमारी पिक्चर बनती है उसको हम स्टोर कहाँ करते हैं, उसकी मेमोरी एरिया क्या होता है, उसको हम रिफ्रेश बफर बोलते हैं। एंड जो हमारी ड्रॉ करी है पिक्चर वो इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स होगी, उसमें लाइन्स होंगी। जो इमेज की इंफॉर्मेशन है तो वो कहाँ पे स्टोर होगी, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स, तो लाइन ड्राइंग कमांड्स की फॉर्म में होगी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन का कुछ नहीं है यहाँ पे, जितने नंबर ऑफ लाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग सेव होगी। एंड डिस्प्ले लिस्ट और डिस्प्ले प्रोग्राम जो कंटेन करेगा एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को। एंड उसके बाद हमने किया कि जो वेरियस कंपोनेंट लाइंस है पिक्चर की वो ड्रॉ कर सकती हैं, रिफ्रेश हो सकती हैं किसी भी ऑर्डर में। जो जैसे कि एक सिंपली हम एक पर्सन है और वो कुछ एक पेन के साथ कुछ ड्रॉ कर रहा है तो वो कैसे भी उसको मूव करके ड्रॉ कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, उसी तरह से ये चीज़ करते हैं।
In order to display a picture, displaying processing unit execute the various line drawing commands one by one. तो डिस्प्ले करने के लिए बहुत सी कमांड्स वो डिस्प्ले करते हैं, बहुत सी कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन करके. वंस ऑल द कमांड इन डिस्प्ले फाइल आर प्रोसेस्ड, जब सारी की सारी कमांड डिस्प्ले हो जाती हैं, द सिस्टम साइकिल बैक टू द फर्स्ट लाइन कमांड, तो दोबारा से वो पहली लाइन कमांड पे आ जाता है. तो जो रिफ्रेश रेट है रैंडम स्कैन सिस्टम का, वो डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करेगा. मतलब इसका एवरेज रिफ्रेश रेट जो रहता है वो 30 to 60 टाइम्स रहता है पर सेकंड. एंड इसकी जो मेजर डिसएडवांटेज है रैंडम स्कैन सिस्टम की, वो है कि दे आर डिजाइंड फॉर लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस एंड कैन नॉट डिस्प्ले रियलिस्टिक शेडेड स्क्रीन. तो ये रियलिस्टिक शेडेड सीन्स नहीं हमें डिस्प्ले करवाएंगे, तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज रहती है इसकी. एंड क्योंकि ये सिर्फ जो डिज़ाइंड है वो लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस के लिए ही है. एंड हाउएवर दी सिस्टम हैव हायर रेजोल्यूशन, इनकी बहुत हायर रेजोल्यूशन होती है, इस वजह से रास्टर स्कैन डिस्प्ले के कंपेरिजन में. एंड इसकी अनदर एडवांटेज है रैंडम स्कैन सिस्टम की ओवर रास्टर स्कैन सिस्टम इज दैट दे प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग एस सी आर टी बीम डायरेक्टली फॉलोइंग ऑन द लाइन पाथ. तो ये बहुत ही हमें अच्छी इमेज शो करते हैं, एक स्मूथ लाइन ड्राॅइंग शो करते हैं. एंड ये था हमारा जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले. एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस. सो आई होप आप अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स को समझ लोगे अभी, ताकि आप जब हम पढ़ेंगे इनके डिफरेंस के बारे में, तब आपको पहले से ही इनके बारे में अच्छे से पता हो.